मीराबाई द लोटस नवरात्रि में हजारों गरबा प्रेमियों की लगी भीड़। नवरात्रि के रस में पूरी तरह से डूबे नजर आए गरबा प्रेमी। 8 से 10 हजार गरबा प्रेमी मूसा पाइक के गानों पर थिरकते नजर आए। आपको बता दें कि ईस्ट वेस्ट फाउंडेशन की तरफ से आयोजित लोटस नवरात्रि के तीसरे साल में ही पूरे मुंबई सहित कई शहरों में तहलका मचा दिया है। नवरात्रि के हर दिन फिल्मी कलाकार आकर इस कार्यक्रम को 4 चांद लगा रहे हैं। कई फिल्मी कलाकारों ने तो लोटस नवरात्रि को सबसे बेस्ट नवरात्रि का खिताब दिया है। बहुत हाई है यहाँ पे, पहली बार मैंने गरबा भी खेला है तो मुझे बहुत मजा आया। आज मैं पहले तो लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहूंगी। इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस टाइम एंड मस्ट जस्ट स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव। हमने कार्यक्रम में आए कुछ गरबा प्रेमियों से बात की, आइए सुनाते हैं क्या कहना है उनका। इट वॉज फर्स्ट डे और बहुत फैंटास्टिक है, एनर्जी और लेवल बहुत हाई था, सेलिब्रिटी थे और ऑन टॉप ऑफ इट द ग्राउंड बहुत स्पेशियस है, तो आई मीन इट वॉज अमेजिंग। बहुत 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 मजा आया है, गेस्ट भी इतने आ रहे हैं कि और एंटरटेन हो रहा है हम लोग का, और म्यूजिक तो आप देख ही रहे हो कि कितना भाई है, तो और मजा आती नहीं हो सकती। मीरा भाईंदर में सबसे बेस्ट है। हम हर साल जब तक लोटस चालू है तब तक हम खेलने आते हैं और मजा आता है। बहुत मजा आया, काफी लोग आ रहे हैं यहाँ पे और बहुत इंजॉय मिला, सेलिब्रिटीज आ रहे हैं और अपना ही जोश है अलग खेलने का। लोटस ग्राउंड में आके हम लोग को ये 5वां दिन है, 6ठा 7वां 8वां 9वां फुल धमाल करेंगे बॉस। यो 2 साल के बाद यहाँ पे आके काफी ज्यादा अच्छा लगा है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है मेहता जी ने। यही बोलोगे कि इसी तरह से आगे आगे करते रहे, हम लोग ने बहुत इंजॉय किया, एक फैमिली के साथ में एक टाइम मिल गया स्पेंड करने का, सो थैंक यू सो मच। हर साल होना चाहिए। हैप्पी नवरात्रि। बहुत अच्छा भाईंदर में ये अच्छा ऑर्गेनाइज किया है इवेंट, जिससे एक्चुअली भाईंदर वालों के लिए, इनफैक्ट मीरा रोड वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, यहाँ पे फ्लोरिंग अच्छी है। इनफैक्ट मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ आफ्टर पेंडामिक, लाइक एक्चुअली हमें जान मिल गई है गरबा खेलने के लिए, हम तरस गए थे एक्चुअली, बट दिस इज़ वेरी नाइस। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा है। बहुत बढ़िया, इतना अच्छा सोचा नहीं था होगा, मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे लोटस में, बहुत मज़ा आया। सॉन्ग्स इतने अच्छे खासे, जगह इतनी अच्छी खासी, खेलने के लिए पहली जगह पे देखा है जहाँ पे खेलने के लिए अलग सेक्शन बनाया गया, वहाँ पे लोग खेलते भी है, ऐसा नहीं कि धक्का मुक्की में लोग सिर्फ खड़े गाने सुनने के लिए, खेलने मिला बहुत मज़ा आया, मेन खेलने मिला इसमें बहुत मज़ा आया। बहुत बढ़िया लग रहा है, हम एवरी डे आते हैं और ये ड्रेसअप करके आते हैं, एंड यहाँ का लोटस का नाम बहुत ही फेमस हो गया यहाँ पे और काफ़ी क्राउड आता है, एंड वी एंजॉय एवरी डे, एंड थैंक यू मेहता जी। सुपर था, मैं हर साल आ रही हूँ ना, मैं और आगे भी होता रहेगा तो मैं और आऊँगी, पक्का आऊँगी। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, हमें यहाँ के सिवा कहीं और जाने का मन नहीं करता। हम यहाँ पे आते हैं तो बहुत ही एंजॉय करते हैं, 2-3 घंटा जितना भी मिला बहुत मज़ा आता है। और नरेंद्र मेहता जी ने ऐसा ऑर्गेनाइज़ किया है कि बहुत स्पेशियस है ये ग्राउंड बाकी सब कंपैरिजन में, जहाँ भी हम लोग दूसरे साइड गए हैं, बट ये ग्राउंड सबसे बेस्ट है और इधर खेलने में मज़ा आता है और ऑर्गेनाइजिंग भी अच्छा है इधर। 2 साल से बंद था तो हम घर पे खेल रहे थे, अभी हमको मौका मिला है कि इधर खेलने का। और हम लोग को तो इतना भी भरोसा, आप जो बोलो ना कि होना चाहिए, अभी तो हमको ये लग रहा है कि होगा, ये सीजन 3 है ना, सीजन 4 सीजन 5, देखना सीजन कहाँ तक जाएगा वो भी नहीं पता चलेगा, ये होता ही रहेगा, जब तक हम बूढ़े हो जाएंगे तब तक होता ही रहेगा। बहुत बढ़िया लग रहा है लोटस नवरात्रि में, मैं जैसा कहता हूँ कि यहाँ पे जो मज़ा आता है, जो आनंद है, बहुत सारी नवरात्रियाँ होती है बम्बई में, बट मीरा भाईंदर में दिस इज़ लाइक चेरी ऑन द केक। और बस इतना ही कहना चाहेंगे, लोगों का असली नारा है कि ईस्ट और वेस्ट लोटस इज़ द बेस्ट, बट मैं कहना चाहूँगा लोटस इज़ द बेस्ट बिकॉज ईस्ट वेस्ट फाउंडेशन इज़ द ग्रेटेस्ट। कार्यक्रम के आयोजक नरेंद्र मेहता ने सभी गरबा प्रेमियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि आपके साथ के बिना इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता। बस इसी तरह आने वाले दिनों में भी गरबा का आनंद ले, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखे, लोटस नवरात्रि को यादगार और शानदार बनाए। क्या आज इतनी बड़ी संख्या, सबसे ज्यादा गर्दी आज थी, हजारों की संख्या में लोग झूम रहे और मस्त है, स्वस्थ है और बिना कोई विघ्न के नवरात्र उत्सव हो रहा है। इस अवसर पे आज किरीट शोभाया जी, हमारे जो राष्ट्रीय नेता, वो भी आए थे, साथ ही फिल्म अदाकारा बॉलीवुड एक्ट्रेस शमिता जी भी आई थी, और आपने देखा होगा नेता और अभिनेता
दोनों ही आज गरबा में झूम रहे थे। ये देवी माता की कृपा है कि जो यहाँ आता है लोटस में वो उसके कदम अपने आप फिरकने लगते हैं, ये इसकी बहुत ही एक पवित्रता है और खासियत है। मैं हमेशा कहता था कि मेरे मीरा भाईंदर का नागरिक ये मुंबई क्यों जाए, चाहे वो फिर कलेक्टर ऑफिस हो, कोर्ट हो, SP ऑफिस हो, तहसीलदार ऑफिस, जो भी हो। और ये नवरात्रि भी यकीन मानिए, शुरुआत कर कोई माने नहीं है, यकीन मानिए इवन मेरी फैमिली भी पहले बोरी में, क्योंकि इस तरह का वातावरण मिलता नहीं था। मैं ये नहीं कहता कि जहाँ होता है वो सही नहीं होता है, कॉम्प्लेक्सेस में होता है, जहाँ भी होता है, क्योंकि गरबा खेलने के लिए वुडन प्लेटफॉर्म लगता है, एक सही व्यवस्था लगती है। हमारे यहाँ पे जितनी सब ज़मीनें अनइवन है या कॉन्क्रीट है, उसमें मज़ा नहीं आता है। तो हमने कहा था कि मीरा भाईंदर में ऐसी व्यवस्था होगी तो लोग कहीं बाहर नहीं जाएंगे मीरा भाईंदर के बारे में। आप देख रहे हो कि आज खुशी इस बात की है कि बोरीवली में जो नाने, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो बड़े बड़े गरबा है उससे भी बड़ा आज इस मीरा भाईंदर में हो रहा है। और सबसे बड़ा वुडन प्लेटफॉर्म किसी का है तो पूरे मुंबई के अंदर लोटस का है, वो बड़े हम छोटे इसके लिए हमने कभी नहीं किया। देवी माता का आशीर्वाद रहेगा, अपने आप कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही जाएंगे। लेकिन मुझे पता है कि कल बहुत सारे लोगों को निराशा होगी क्योंकि हमें गेट बंद करने पड़ेंगे, हम नहीं अंदर ले सकते क्योंकि जगह उतनी ही। हमने हर साल अपना प्लेटफॉर्म बढ़ाने की कोशिश की है, पिछले शुरुआत में 7,000 का था, दूसरे साल हमने 12,000 के, इस साल हमने 16,000 से 18,000 की कैपेसिटी का किया, जितनी जगह थी उतना किया, अगली बार कोशिश करेंगे 25,000 लोग आए। बस ये जिस तरीके से हमने शुरुआत लोटस 2018 में की थी और उससे लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद और बढ़ता गया, उसी तरह से माता जी का भी आशीर्वाद बढ़ता गया और लोगों ने जिस तरीके से सराहा है, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि उतना दुगना हम लौटा के दे, वही हमारी छोटी सी पहल है। दरअसल मैं आपको बताऊं कि सभी गरबा प्रेमियों को मैं सबसे पहले जय माता दी बोलता हूं, और हम सभी के जो मार्गदर्शक हैं उनके साथ रह के हमें ऐसे ही जोश आता है, और साथ ही माता और गरबा प्रेमियों का जो प्रेम है वह दिन पर दिन यहाँ जो है भीड़ बढ़ा रहा है, और कल काफ़ी ज़्यादा लोगों को आने की संख्या है, और हम लोग की कोशिश है कि हम लोग ऐसे ही खड़े होकर हर तरफ लोगों को सेवा दे सके ताकि गरबा प्रेमी आराम से गरबा खेल सके और माता जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। लोटस नवरात्रि को और मेहता जी को मेरी शुभकामनाएं, वंडरफुल शो। आप देख सकते बाहर पासिस बंद हो गए, हालांकि पासिस से 50 रुपये का रखा था ताकि थोड़े अच्छे लोग आए, डीसेल लोग आए, वो 50 रुपये ज़्यादा नहीं है, पर मैंने देखा अभी भी 400-500 लोग बाहर खड़े हैं, करीबन 20-22 हज़ार की तादाद में लोग खड़े हैं। और पिछले 4-5 साल से मैं यहीं आ रहा हूँ, कोविड के टाइम तो नहीं आ पाया, लेकिन जब नया नया मीरा भाईंदर में आया था तो मैं फाल्गुनी पाठक के लिए जाता था क्योंकि वहाँ का क्राउड, वहाँ का म्यूजिक। लेकिन कांग्रेट्स मेहता जी ने जो कोविड से पहले जो स्टार्ट किया था और इस साल जो किया है, मीरा भाईंदर के वासियों को अंधेरी जाने, बांद्रा जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर वो मजा ले रहे हैं क्योंकि जो नियम है 10 बजे तक वो मुंबई में भी है। सो कोविड के बाद ये तो खुशहाली है और माता का जो आशीर्वाद है, बस आगे भी यही चलता रहे। एंड मेहता जी, गुड शो। Kasuramuane